विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते आगजनी के हादसे हो रहे। झूलते हुए तारों के आपस में टकराने से हुई स्पंकिंग से 7 बीघा खेत में खड़ी गेहूं की फसल स्वाह हो गई। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही के चलते भैरुगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सिपावरा में आगजनी की घटना से किसान के 7 बीघा के लगभग खेत में खड़ी गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। जवाबदारों के कानों तक जूं तक नहीं रहेंगी। घटिया तहसील के ग्राम सिपावरा निवासी सत्यनारायण पिता गेंदालाल गुर्जर के 7 बीघा के लगभग खेत में खड़ी गेहूं की फसल अचानक विद्युत तारों के आपस में टकराने पर गिरी चिंगारी से आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। गनीमत यह रही कि आसपास के खेतों में खड़ी गेहूं की फसलों को अन्य किसानों के द्वारा समेट लिया था, वरना आग की यह लपटें अन्य खेतों में खड़ी गेहूं की फसल को वरना आग की लपटें अन्य खेतों में खड़ी गेहूं फसलों को अपनी चपेट में ले लिया होता। जानकारी मिलते ही गांव के व आसपास के गांव के सैकड़ों की संख्या में लोग एकत्रित होकर आग बुझाने में जुट गए। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।